सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप भाई सिंपल पे लेटर अपना एक्टिवेट कर सकती हो, आप इसका अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकती हो। इसमें आप लोगों को भाई केवाईसी की जरूरत नहीं है, बिना केवाईसी का आप लोगों को यहाँ पे लिमिट देखने को मिल जाएगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, ना तो इसमें आपका आधार कार्ड लगेगा ना आपका पैन कार्ड लगेगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अपना वही नंबर वही ईमेल आईडी फिल करना है जो आपके अकाउंट में रजिस्टर रहता है, उसी के बिहा पे ही आपका यहाँ पे सिविल स्कोर फेच कर लिया जाता है और आपका अकाउंट इजिली भाई क्रिएट हो जाएगा और इसमें आप लोगों को लिमिट देखने को मिल जाएगा। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहना है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हम आ चुके हैं भाई अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे, लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा हूँ, लिंक पे क्लिक करके आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ओपन करना है, ओपन करते ही आप लोगों का यहाँ पे जो इंटरफेस रहेगा देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह का। बेसिकली यहाँ पे बाय नाउ पे लेटर बताया जा रहा है, यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे बताया जा रहा है कोई भी आप प्रोडक्ट अगर बाय करते हो इनका भाई कहीं ना कहीं आप लोगों को एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, पेमेंट करोगे तो डेबिट कार्ड एंड सिंपल का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे पेमेंट कर सकते हो। आगे में इनका देख लीजिए, यहाँ पे जोमेटो का ऑप्शन मिल जाएगा, बिग बास्केट और भी बहुत सारा ब्रांड यहां पे देखने को मिल जाएगा। सो सिंपल सा आगे स्क्रॉल करेंगे, जैसे यहां पे देख लीजिए अलग अलग दिखाया जा रहा है। एंड यहां पे बिल पेमेंट आप लोगों को 15 डेज के अंदर भाई करना रहता है। सो गेट स्टार्ट पे हम क्लिक करेंगे। सो सिंपल सा आपने यहां पे नंबर फिल करना है, आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी आपने वेरीफाई कर देना है। उसके बाद यहां पे देख लीजिए आगे के डिटेल कुछ इस तरह के देखने को मिल जाएगा। केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए बताया जा रहा है। सो बेसिकली आपके यहां पे नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड जेंडर, एंड यहां पे बताया जा रहा है ईमेल आईडी एज पर बैंक रिकॉर्ड। आपके बैंक अकाउंट में जो भी ईमेल आईडी ऐड रहता है वही ईमेल आईडी इधर फिल करना है, यहां पे आप लोगों को टिक मार्क कर देना है। बेसिकली आपका सिविल स्कोर यहां पे ऑटोमेटिक भाई सिविल स्कोर से क्रेडिट फेच किया जाएगा, फेच करने के बाद यहां पे वेरीफाई कर देना है। सो बेसिकली जैसे ही आप इस पे टिक मार्क करोगे तो आपका सिविल स्कोर से पूरा डिटेल ले लिया जाता है, मतलब जितना भी सिविल वेबसाइट पे आपका जितना भी डिटेल रहेगा, क्रेडिट हिस्ट्री रहेगा, वो सारे का सारा इसमें ले लिया जाएगा। एंड उसके बाद आप लोगों को लिमिट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो ऑलरेडी मैं अकाउंट अपना क्रिएट कर रखा हूं, स्क्रीनशॉट यानी तो इस मोबाइल में मैं आप लोगों को शो कर दूंगा। सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कंप्लीट करके देखते हैं भाई आगे का क्या इंटरफेस आता है। यहां पे पूरा डिटेल फिल करने के बाद वेरीफाई केवाईसी पे मैंने क्लिक कर दिया। सो यहां पे देख लीजिए वेरीफाई हो रहा है, हमारे ईमेल आईडी पे ओटीपी गया है। सो बेसिकली अपना ईमेल आईडी का ओटीपी वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट। यहां पे देख लीजिए मैंने अपना ईमेल आईडी का ओटीपी वेरीफाई कर दिया, यहां पे फिल कर दिया, ऑटोमेटिक यहां पे वेरीफाई हो रहा है। उसके बाद मेरे को डाउट रहा है कि यहां पे भाई केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं किया जाएगा, लिमिट नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी मेरा अकाउंट भाई यहां पे क्रिएट हुआ पड़ा है। मैं आप लोगों को लास्ट में जरूर शो करूंगा मेरे को कितने का लिमिट मिला हुआ है एंड पूरा मैं आप लोगों को भाई एक्सप्लेन करूंगा। सो बेसिकली इसको कंप्लीट हो जाने देते हैं भाई। केवाईसी प्रोसेस एंड अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस सेम रहेगा। यहां पे देख लीजिए आप लोगों देखने को मिल चुका है फिरोज आलम, यू हैव ऐड यू टू योर वेस्टलिस्ट ऑप्शन मिल जाएगा। एंड यहां पे बताया जा रहा है जो भी आपने इसमें डिटेल दिया उस बेसिस पे क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, यहां पे फेच नहीं किया गया, अप्रूव नहीं किया गया। सो इस वजह से हमारा यहां पे भाई क्रेडिट लिमिट देखने को नहीं मिला हुआ है। सो चलिए अब आप लोग को इस फोन में मैं आप लोगों को भाई लॉगिन करके दिखाता हूं कि मेरे को भाई लिमिट मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। तो देख लीजिए हम आ चुके हैं भाई अपने इस मोबाइल पे एंड बेसिकली यहां पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूं लास्ट में जाके कि मैं भाई इसमें अपना अकाउंट ओपन कर रखा हूं नहीं कर रखा हूं, मेरे को लिमिट इसमें मिला है या नहीं मिला है। सो बेसिकली यहां पे देख लीजिए अभी क्या है, यहां पे 3500 का लिमिट यहां पे देखने को मिल जाएगा और यहां पे यूज मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, 00 है। और बाकी आप लोगों को मैं पहली डाउट क्लियर कर दूं, इसका यूज भाई किसी वेबसाइट पे जाकर कर सकते हो। जैसे कि मैं आप लोगों को यहां पे दिखाता हूं इनका जो भी भाई ब्रांड रहेगा ना वो यहां पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मान के चलिए मैं नीचे में स्क्रॉल करूंगा, यहां पे मोर पे हम क्लिक करेंगे, यहां पे देख लीजिए मर्चेंट वी सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इन सब भाई वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे जाके आप सिंपल पे का यूज करके पेमेंट कर सकते हो, जैसे बिग बास्केट हो गया, जोमेटो हो गया, गोसरिफ का ऑप्शन में मिल जाएगा, बुक माई शो का, और भी यहां पे बहुत कुछ यहां पे देखने को मिल जाएगा। सो यहां पे आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड किया गया है, यहां पे आप लोगों को डिटेल देखने को मिल जाएगा। इन सब वेबसाइट पे जाके आप सिंपल पे लेटर या एप्लीकेशन पे जाके सिंपल पे लेटर यूज कर सकती हो और पेमेंट कर सकती हो इजीली, आप लोगों को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आप लोगों का पैन कार्ड एंड आधार कार्ड का केवाईसी नहीं किया जाता, इजीली आप लोगों का सिविल रिपोर्ट फेच किया जाता है। जब आपका इसमें लिमिट देखने को मिल जाएगा प्रोफाइल पे क्लिक करके आप प्रोफाइल भाई मेंटेन कर लेना है, जैसे कि आपका एड्रेस वगैरह, आपका जेंडर वगैरह पूरा मेंटेन कर देना है। अब आप लोगों जो भी लिमिट रहेगा ना वो यहां पे देखने को मिल जाएगा, जितना भी लिमिट यूज करोगे यहां पे शो करेगा, यहां से आप भाई पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हो। बाकी यहां पे मेरे को एक नोटिफिकेशन शो कर रहा है जो यहां पे देख लीजिए 15000 प्लस इनका ब्रांड एप्लीकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जहां पे आप यूज कर सकते हो, उसका नोटिफिकेशन आया पड़ा है मेरे को। और बाकी यहां पे आप लोगों नीचे में स्क्रॉल करके भाई इसका एसएमएस दिखा देता हूं। जब मैंने सुबह में एक्टिवेट किया था तो मेरे को भाई इसका मैसेज रिसीव हुआ था या नहीं हुआ था, आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाएगा। सो यहां पे आप लोग देख लीजिए सिंपल पे लेटर 21 तारीख के डेट में यहां पे 8:25 पे मेरे को मैसेज आया था जो इनका भाई आप लोगों को 500 रुपए कैशबैक दिया जाएगा अगर आप यूज करते हो तो। बाकी यहां पे देख लीजिए एक और यहां पे देखने को मिल जाएगा ओटीपी
OTP जो KYC वेरिफिकेशन के लिए मैंने किया था। सो 8:08 पर OTP आया था। सो मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया था आज के ही डेट में, 21 तारीख के डेट में, जो आज 21 तारीख ही है। आप लोग को पूरा देख के भाई क्लियर हो चुका होगा। सो होप आप लोग जो भी मैंने डिटेल दिया सब कुछ समझ में आ चुका है। इसमें आप लोग को अपना आधार कार्ड का OTP या अपना पैन कार्ड नहीं फिल करना है, इजिली अपना नंबर फिल कीजिए, ईमेल आईडी फिल कीजिए, आपका ऑटोमेटिक भाई इसमें लिमिट देखने को मिल जाएगा। सो वीडियो अगर पसंद आता है लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सो फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।